नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं लूसेंट का 1000 जीके क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर है। ये सारे स्टैटिक जीके हैं। इसके पहले मैंने इसका चार पार्ट अपलोड कर दिया है, ये पांचवा पार्ट है। तो शुरू करते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आंसर है कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो जो जो हमारे यहाँ गैस सिलेंडर होता है, तो उसमें से गैस लीक हो तो पता चल जाए कि गैस लीक हो रहा है, उसके लिए एक गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है, उसका नाम है इथाइल मरकेप्टेन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो आंसर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? तो ये होती हैं 1024 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसकी अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये थे बटुकेश्वर दत्त। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी? तो ये रखी थी 1940 में। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अमर्त्य सेन को। अगला क्वेश्चन है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून को किसके प्रयासों से बनाया गया था? ये ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इसका आंसर है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो ये की थी हैदराबाद के निजाम ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर है गोंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो यह हुआ था माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा है, इसी ने हत्या करवाई थी। तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या की थी उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आंसर है इसका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? ये थे जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को, और स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से मानी जाती है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम
बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बोमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीति गुरु मानते हैं? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो इसका आंसर है सुरक्षा परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना का किस वर्ष शुरू हुई थी? मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ये हुई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सुनार बांग्ला, ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ये ले जाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था हनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो इसका आंसर है चैत्र। अगला क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं बांसुरी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है कर्नाटक राज्य का। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो खींची गई थी वो भारत और चीन के बीच में खींची गई थी, यानी मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में जो खाद्य भाग होता है वो तना होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20,000 से सॉरी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आप जो सुन सकते हैं समझ सकते हैं, उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी आप सुन नहीं सकते और उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी को हमारा कान सुन नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी जो है बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो इसका आंसर है लोथल। अगला क्वेश्चन है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर है पामीर या तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इस समय योजना आयोग को कन्वर्ट कर दिया गया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है नीति आयोग में, तो उसका भी जो अध्यक्ष होगा वो होगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है,
वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ये होते हैं 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है वो है नायलॉन। अगला क्वेश्चन है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो ये 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर है निर्वात। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर है बैंगनी। इसे याद करने के लिए आप बैनी आह पिनाला, बै से बैगनी, आ से आसमानी, ह से हरा, इस तरह से लास्ट में लाल, यानी सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा बैगनी का, सबसे कम होगा लाल का। तो दोस्तों ये था 1000 जी के क्वेश्चन जो कि लूसेंट का है, ये स्टैटिक जी के है और वन लाइनर है। ये इसका 5th पार्ट था और मैं जल्द ही इसका 6ठा पार्ट अपलोड करूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।